हेलो आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता और आज है हमारे साथ राजशेखर जी, जिन्होंने फिल्म तनु वेड्स मनु के बेहतरीन गाने लेकर बॉलीवुड में एंट्री ली, फिर तनु वेड्स मनु 2 में और धमाकेदार गाने लिखे और उसके बाद तो उन्होंने लगातार इतने बेहतरीन गाने लिखे कि आज इनके बोल के लोग दीवाने हो गए हैं। बता दें कि हाल ही में इन्हें हिंदी अकादमी काव्य सम्मान से भी नवाजा गया है, जो कि अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए बात करते हैं राजशेखर जी से, जानते हैं कुछ इनके बारे में। तो बताइए राजशेखर जी, कैसे शुरू हुआ आपका ये सफर? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, किरोडीमल कॉलेज में था यहाँ पे। फिर हिंदी साहित्य से ही मैंने एमए किया, फिर दोस्तों के बहकावे में आके मैं बॉम्बे चला गया। बॉम्बे पहुँच तो गए पर पता नहीं था कि क्या करना है। फिर एज असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह काम कर रहा था मैं, आनंद राय को असिस्ट किया और भी कई सारे डायरेक्टर्स को। और जब मैं आनंद राय को असिस्ट कर रहा था तो उन्होंने ही पूछा कभी कि यार तुम ये कविताएँ वगैरह लिखते हो, तुम गाना लिखना चाहोगे? मैंने कहा हाँ ट्राई कर लेते हैं यार, एसी में बैठ के लिखना है, असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह तो बहुत धक्का खाना पड़ता है। मैंने कहा चलो ठीक है। और लिरिसिस्ट को उस समय लगता था कि लिरिसिस्ट को इज्जत भी मिलती है, अब हालांकि अलग सोच है मेरी। मैंने कहा चलिए ठीक है करते हैं। उन्होंने कहा अगर हमें पसंद आया गाना तो हम एक गाना तुम्हारा इस फिल्म में रखेंगे, तनु वेड्स मनु में। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा चलो एक गाना भी लिख के चलो लिरिसिस्ट तो बन जाएंगे कुछ। हालांकि सोच के कभी नहीं गए थे कि लिरिसिस्ट बनना है। एक गाना लिखा, फिर उनको पसंद आया, फिर दूसरा लिखा, फिर तीसरा लिखा, फिर चौथा लिखा, फिर पांचवा लिखा, फिर एल्बम ही हो गया अपना। तो इस तरीके से लिरिसिस्ट बन गए। तो मतलब पहले आपने क्या डिसाइड किया था कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं? नहीं, सोच के तो गया था कि मैं डायरेक्टर बनूंगा। अच्छा। पर मतलब ऐसा कुछ वो नहीं था कि मतलब करना ही है। ऑनेस्टली मतलब मुझे अभी भी नहीं पता है क्या करना है, जो चल रहा है, जो कर रहे हैं, मजा आ रहा है तब तक ठीक है। तो जब आपको मतलब बोला गया कि हाँ भाई अब आपको एक गाना लिखना है, तो पहला रिएक्शन क्या था आपका? नर्वसनेस थी, क्या था फर्स्ट रिएक्शन? बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि नर्वस आप उस रेस में होंगे ना जो कि आपको जीतनी हो। कोई आप गए हैं किसी दोस्त के साथ ऑडिशन पर और किसी ने कहा यार तुम भी गाओ के दिखाओ कैसा लग रहा है, आपने गा दिया और आप लोगों को सामने वाले ने कहा यार तुम तो जीत सकते हो, तो उसमें क्या नर्वसनेस? कुछ नहीं, बस ऐसे ही हो क्योंकि गया। आपका वो पहले फोकस था ही नहीं। फोकस ही नहीं था कुछ। क्या आप शुरुआत में भी पहले कभी लिखते थे? लिखता था, क्योंकि इतने बेहतरीन गाने आप लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग में तो लिखते हो। बचपन से लिखता हूँ, पढ़ाई करता था, मतलब लिटरेचर की तरफ, कविताओं की तरफ बचपन से रुझान था, वो तो करता था। अब बहुत सारे मास्टर्स, क्लासिक जो है वो सब, घर में एक माहौल थोड़ा बहुत लिटरेचर का था तो उस कारण से थोड़ा पहले से वो सब पढ़ लिया था ये। फिर बाद में कॉलेज में भी और यूनिवर्सिटी में भी लिटरेचर की पढ़ाई हुई। आज आपने तनु वेड्स मनु 2 का घनी बावरी सॉन्ग लिखा है, कैसे आपको ये आइडिया आया लिखने का? क्योंकि आप बिहार से बिलोंग करते हैं एंड देन ये हरियाणवी, इसका ये जो लाइन है, तो कैसे आपने ये लिखा? मुझे अचानक से कहा गया कि यार एक ऐसे ऐसे डांस नंबर जैसा है, डांस नंबर नहीं पर एक सेलिब्रेशन है, उसके लिए गाना चाहिए और सेलिब्रेटरी सॉन्ग चाहिए पर हरियाणवी में होना चाहिए। और ये एक तरह से नया था क्योंकि उस समय तक हरियाणवी गाने ज़्यादातर फिल्मों में आपको नहीं दिखे होंगे, पंजाबी होते हैं पर हरियाणवी तो बिल्कुल नहीं थे। मैंने कहा यार यहाँ तो फंस गया यार मैं। फिर मुझे याद है कि अरे यार मैं क्यों फंसूँगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बड़ा, वहाँ बहुत सारे दोस्त हैं जो कि हरियाणा से हैं, तो मैंने कहा उनके साथ इतने 5 साल बिताए हैं तो कुछ तो सीखा है। दरअसल अपर गाने को पैन इंडिया होना था, ऐसा नहीं कि सिर्फ हरियाणा झज्जर में गाना बज रहा है, ऐसा नहीं है। तो पैन इंडिया होने के लिए सिर्फ एक हल्की सी महक चाहिए हरियाणवी की उसमें। तो बहुत मज़ेदार वाकया है कि ये गाना मैं लिख रहा था और ये गाना मेरा आज तक का सबसे कम वक्त में लिखा हुआ गाना है, 2.5 घंटे में पूरा गाना लिखा हुआ है। यूजुअली मुझे 7 दिन 10 दिन लगते हैं गाने लिखे, ये 2.5 घंटे में लिखा हुआ गाना था। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा भी हिंट था कि ये गाना इतना सुपर हिट होने वाला है, बिल्कुल हर जगह गाने, शादी पार्टी, डीजे है? क्या सुपर हिट? जी बिल्कुल है ये सुपर हिट। आई मीन जब ये आया था, इवन जब ये गाना बज रहा था हॉल में, मैं खुद बता रही हूँ, जब हम मूवी देख रहे थे तो गाना बजते ही लाइक लोग खुद डांस करने लग गए थे, इसलिए मैंने कहा कि आपको बिल्कुल भी हिंट था। नहीं बिल्कुल भी नहीं। अभी कुछ दिनों पहले मैं पहाड़ों पर गया था उत्तराखंड में, तो वहाँ पर दूर एक गाँव में मैंने देखा कि ये गाना बज रहा है। तो मैंने कहा यार ये गाना किससे पूछा, मैंने जो यहाँ पे रुका हुआ था मैंने उनसे पूछा कि भाई ये गाना बज रहा है क्या, यहाँ पे लोग सुनते हैं? बोला नहीं सर शादी हो रही होगी।
मैंने कहा चलो अच्छा, मतलब ये गाने दो चार गाने जब बजते हैं तो हमें समझ में आता है कि शादी हो रही है कहीं पास में। जब आप ये नॉर्मली सॉन्ग लिखते हैं तो क्या आप मतलब मूवी की स्क्रिप्ट पहले पढ़ते हैं या फिर कुछ सीन्स आप देखते हैं जब शूट होते हैं या आपको सीक्वेंस बताया जाता है तो कैसे लिखते हैं? अलग अलग चीजें हैं, ज्यादातर मैं पहले पढ़ता हूँ या डायरेक्टर जो है वो नरेट करते हैं हमें पूरी स्क्रिप्ट, उसके बाद फिर हमें सिचुएशन बताया जाता है ये है इस सिचुएशन पे हमें गाना चाहिए। कई बार मैं मना भी कर देता हूँ कि मुझे लगता है कि नहीं ये यहाँ पे नहीं गाना चाहिए, वो बहस भी कुछ डायरेक्टर्स के साथ चलती है। तनुवर्स मनु में आपने गाने लिखे, उसके बाद तनुवर्स मनु 2 के लिए आपने गाने लिखे, तो वो जो टाइम पीरियड था बीच में जो गैप था उसमें आपने किसी और मूवी के लिए गाने क्यों लिखे? बहुत लिखे, बहुत सारी फिल्में रुक गई। अच्छा, आई नहीं। कुछ फिल्मों में एक एक गाने के पैसे मिले, बाकी पता चल गया प्रोड्यूसर को कि नहीं ये नहीं होने वाला है। कुछ फिल्में अच्छी भी करी उस बीच में पर वो फिल्में कुछ रिलीज नहीं हुई समहाउ। वो फेज, उस फेज में मैंने बहुत सारा काम किया था, 2-3 फिल्में तो करी थी, उसमें से ज्यादातर फिल्म रिलीज नहीं हुई, बनी नहीं, कुछ हो गया था उस वक्त में। जब एक सॉन्ग बनता है तो उसमें कई लोगों की मेहनत होती है, आप जैसे लिरिसिस्ट की होती है, सॉन्ग जो कंपोज करते हैं, देन सिंगर्स, देन एक्टर्स, सबकी होती है, बट जितना फेम एक एक्टर को, देन सिंगर, देन कंपोजर को मिलता है उतना कभी कभी लिरिसिस्ट को नहीं मिल पाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? लिरिसिस्ट एक और एक म्यूजिक डायरेक्टर एक गाने पे जितनी मेहनत करते हैं उतना कोई नहीं करता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बाकी लोग नहीं करते, करते हैं, पर इतनी मेहनत कोई नहीं करता है। आप उस आइडिया के जन्म से लेके उसके फाइनल उस तक उसके साथ होते हैं। मुझे लगता है कि मिलना चाहिए क्रेडिट, बट कई बार लगता है कि अगर नहीं मिल रहा है तो ये कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि आप मांग मांग के लेते रहे, आपका हक है। एक समय में आप ऐसा कर ले, आप गुलजार साहब बन जाइए, आप जावेद साहब बन जाइए, आप अमिताभ भट्टाचार्य बनिए, इरशाद कामिल बनिए, तो फिर आपका क्रेडिट कोई नहीं उस तरीके से लेगा। मुझे अपने ऑडियंस से भी ये शिकायत है, कितनी बार आपने किसी FM चैनल को कहा है कि यार इस गाने के लिरिसिस्ट कौन थे, इस गाने का म्यूजिक डायरेक्टर कौन था? नहीं पूछते हम। पहले जब गाने बजते थे तो उसके साथ में लिरिसिस्ट और म्यूजिक डायरेक्टर का नाम आता था, अभी भी कुछ कुछ चैनल्स करते हैं पर ज्यादातर चैनल्स नहीं करते। आपको भी हाल ही में हिंदी अकादमी काव्य सम्मान से नवाजा गया, तो कैसा लग रहा है आपको, क्या चल रहा है आपके मन में? मुझे आज तक अवार्ड मतलब गानों के लिए अवार्ड नहीं मिला कभी। खुशी मिल रही है मुझे लिख करके, मुझे लोगों तक पहुँच के, जब मैं लिखता हूँ कि बेहतर तो ये होता हम मिले ही ना होते मगर जाने दे, और मुझे पुणे में रहने वाला कोई आदमी या आरा में रहने वाला एक लड़का कॉल करता है या मैसेज करता है कि बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के, हमको लगता है कि शायद इसी चीज़ के लिए मैं लिखता हूँ। जो हिंदी अकादमी का काव्य सम्मान की जो बात है, मैं इसलिए बहुत शुक्रगुजार हूँ दिल्ली हिंदी अकादमी का कि ये अवार्ड यूजुअली अब से पहले पोइट्स को, वो पोइट्स जो कि कोट अनकोट पोइट्स जो कि सिर्फ जिनकी किताबें प्रकाशित हुई हैं सिर्फ उन्हीं कवियों को ये सम्मान मिला है। शायद मुझे जहाँ तक पता है शायद पहली बार किसी गीत लिखने वाले को, किसी गीत फरोश को जो गीत बेचता है उसको ये सम्मान मिला है। मैं बहुत खुश हूँ पर साथ में मुझे उस खुशी के साथ बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मेरे पीठ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी है इसमें। हमारी ऑडियंस के लिए भी जरा 4 लाइन कोई अच्छी सी बोल दीजिए। अरे बाप रे। एक मेरी छोटी सी कविता है, शीर्षक है प्रेम बारिश और इनकलाब। पता है मुझे कविता से कम मेरी कविता से ना निजाम बदलता है ना प्रेमिका मानती है ना ही बादल आते हैं। बहेलिया नहीं बदलता अपना मन, कुल्हाड़े लिए हाथ नहीं रुकते पेड़ों से पहले। कोई इनकलाब कहाँ आ पाता है इन कविताओं से, फिर भी लिखता हूँ खुद को जिंदा रखने के लिए, कम से कम जिंदा दिखने के लिए। ये क्या पता अगर जिंदा रह गया तो प्रेम बारिश और इनकलाब सब आ जाए किसी दिन। शानदार, गजब। तो राज, अपने आगे के प्रोजेक्ट्स में बारे में बताइए कि आगे किन फिल्मों के लिए गाने लिखने वाले हैं आप? वुमनिया नाम की एक फिल्म है, फैंटम अनुराग कश्यप और ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, तुषार हीरानंदानी है डायरेक्टर। बहुत मेरी अभी तक की सबसे बेहतरीन फिल्म, सबसे बेहतरीन गाने होंगे उस फिल्म में, मुझे इतना पता है। अभी तक जैसा लिखा है वो अलग है कुछ, और बहुत एक रियल लाइफ इंस्पायरिंग रियल लाइफ स्टोरी पे है। दो औरतों की कहानी है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत देर से शुरू करी और उनकी मस्ती
की कहानी है, ये रियल लाइफ है। उस पर कर रहा हूँ, पूरा एल्बम ही कर रहा हूँ। उसके अलावा एक है आपके कमरे में कोई रहता है, बहुत ही एक मस्ती वाली फिल्म है। इसमें भी अलग तरह के गाने हैं थोड़े से। एक गाने के लिए शायद मुझे गाली भी पड़े तो, पर मैं चाहता हूँ अब कि ठीक है, अब हो गया, थोड़ा सा गाली वाली पड़े तो अच्छा भी लगता है कभी कभी तो वो है। इसके अलावा तीन चार चार फिल्में और हैं जो कि अगले एक साल के अंदर आएगी। ओके, थैंक यू राज हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड गाइज, ऐसे ही वीडियोज़ और बाकी की खबरों के लिए ज़रूर देखें लाइव हिंदुस्तान।